टाटा so, स्टील में प्रीवियसली आप लोगों को 120 के आसपास मैंने क्लियरली बताया था कि यहाँ पर शॉर्टिंग करने का मौका है और उसके बाद आप लोग देखो तो स्टॉक के अंदर 101 तक के लोअर लेवल हमें देखने को मिल चुके थे तो ऑलमोस्ट 20% परसेंट स्टॉक लुढ़क चुका था वहाँ से राइट तो टाटा स्टील की अगर मैं बात करता हूँ ना तो आप लोग लंबे समय का चार्ट देखिए टाटा स्टील का टाटा so, स्टील के अंदर वेल्थ क्रिएशन कभी नहीं हुआ है जस्ट बिकॉज ये कॉमोडाइज सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है तो so, कॉमोडिटी वाले स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करना चाहिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है अब सभी टाइम फ्रेम के चार्ट के स्ट्रक्चर में देखता हूँ तो वन हंड्रेड एंड नाइन रुपीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है अब उस लेवल के ऊपर अगर यहाँ से सस्टेन करना चालू करता है तो बहुत ही बढ़िया सा बाइंग हमें देखने को मिल सकता है और यहाँ से अगर स्टॉक्स लोअर लेवल भी दिखाता है तो मैं आपको दो स्लॉट्स में बाय करने का एडवाइस देता हूँ वन जीरो फ़ाइव के आसपास वन ज़ीरो फाइव के आसपास एटलीस्ट पचास परसेंट क्वान्टिटी आप बाय कर लो और अनदर फिफ्टी परसेंट आपको बाय करना है वन ज़ीरो थ्री से लेकर वन जीरो टू के बीच में ठीक है और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है वो है हंड्रेड वन ज़ीरो वन जीरो वन सॉरी हंड्रेड पॉइंट फिफ्टी पैसा हंड्रेड पॉइंट फिफ्टी पैसा सो so, टाटा स्टील के अंदर एवरी डिक्लाइन इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी चार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सुधर रहा है काफ़ी फेब्रुआरी महीने में ही मैंने आपको बोल दिया था कि हायर लेवल आएगा तो शॉर्टिंग करना है तो फेब्रुआरी महीने से अभी अप्रैल महीना दो महीना टाइम पास हो गया प्राइस करेक्शन भी हो गया है अब वापस स्टॉक के अंदर रिकवरी हमें आती हुई दिखाई दे रही है जिस तरह से बताया है उसी तरह से आप लोग काम कीजिएगा और कंफर्मेशन लेवल भी बताया है 109 सो so, 109 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर बाइंग अच्छा सा बाइंग हमें देखने को मिलेगा और स्टॉक के अंदर हायर लेवल्स समवेयर अराउंड वन वन फोर वन वन फाइव तक के हायर लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे उस टाइम पे भी क्लॉस ने सस्टेन किया तो और भी हायर लेवल्स वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी के तक भी ये स्टॉक्स आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है सो तो जिस तरह से बताया है उसी तरह से आप लोग काम कीजिएगा जरूर से आप लोगों को फ़ायदा होगा